वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप मुझे आज पहली बार देख रहे हैं तो आई एम मोमिता एंड वेलकम टू माई चैनल। वीडियो देखने के पहले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब बटन के एकदम बाजू में एक छोटा सा बेल बटन है, उसे भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहला वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आप वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो था एक शॉपिंग वीडियो, एक ब्लॉग काइंड ऑफ वीडियो। तो उसमें मैंने आपको पूछा था कि क्या आप शॉपिंग हॉल देखना चाहते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोले थे कि एक वीडियो बनाने के लिए, सो आई एम हियर टू मेक द वीडियो। एंड मैंने बहुत कुछ तो नहीं खरीदा है, कुछ कम प्रोडक्ट्स ही मैंने परचेस किया है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, अगर आप मेरी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आई विल लिंक इट हियर इन द आई बटन, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। आज मैं और एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ कि हमारी जो चैनल है वो करीबन 660 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और बहुत जल्द आई गेस 700 हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों के साथ एक Q&A वीडियो शेयर करूं। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूं कि अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आप क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मैक से परचेज किया है एक कपड़ा, और मैंने जो बाकी का कपड़ा है वो पैंटालून से परचेज किया था, पर मेरे पास ये मैक्स का जो प्लास्टिक है वो था, तो मैंने पैंटालून्स का कोई प्लास्टिक नहीं खरीदा है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मैक से क्या खरीदा है। बाहर बारिश हो रहा है तो शायद बैकग्राउंड नॉइज़ होगा, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि मैंने मैक से क्या परचेज किया है। तो मैंने मैक से एक हुडी परचेज किया है जो है ये लॉन्ग स्लीव है, और पीछे भी ऐसे द रूल्स लिखा हुआ है। ये जो कलर है वो काइंड ऑफ एक ग्रीन कलर है। मेरे पास इससे पहले ऐसा कोई कलर की कोई ड्रेस नहीं था, तो मैंने इसको परचेज कर लिया है। और ये जो है वो मैक्स ब्रांड का ही है, और साइज है स्मॉल, और इसकी जो प्राइस है वो है 799 रुपीज़। और मुझे इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला, पर मुझे ये बहुत ही कूल लगा। मैंने इसको ट्रायल रूम में पहन के दिखा था तो मुझे बहुत कूल लगा, तो मैंने इसको परचेस कर लिया। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने पैंटालून से क्या क्या खरीदा है। मुझे मैक्स पर यही मिला था, एक अच्छा लगा जो मुझे, और मुझे फिटिंग आया तो वो यही था, तो इसलिए मैंने और कुछ नहीं खरीदा है मैक्स से। मुझे और कुछ पसंद भी आया था, पर वो मुझे मेरी बहुत बहुत ढीला ढीला हो रहा था, तो इसके लिए मैंने उसको परचेज नहीं किया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पैंटालून से क्या क्या खरीदा है। तो सबसे पहले जो पहला जो आइटम है वो है ये टॉप। इस टॉप को मैंने परचेज किया है, ये एक काइंड ऑफ क्रॉप टॉप है, बट बहुत छोटा नहीं है। मैं बहुत छोटा क्रॉप टॉप पहनने के लिए कंफर्टेबल भी नहीं हूँ, तो ये जो नेक, ऐसा एक नेक है, मुझे नहीं पता इस नेक को क्या बोलते हैं, तो और पीछे ऐसा एक खूब जैसा ही आपको मिल जाएगा। और ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये जो है कॉट की लगता है मुझे, ये जो कपड़ा है कॉट की है, और इसकी जो ब्रांड है वो था फॉरएवर ग्लैम, और जो प्राइस है इसकी वो है 599 रुपीज़, और मेरी जो साइज़ है वो है स्मॉल। मैंने इसके साथ पेयर करने के लिए एक प्लाजो खरीदा है, वो है ये प्लाजो। ये जो कलर है वो
बहुत ही सुंदर है, एक एकदम बेबी पिंक कलर की एक प्लाजो है और ये एक हाई वेस्टेड है, ये एक हाई वेस्टेड प्लाजो है क्योंकि मेरी हाइट शॉर्ट है तो प्लाजो थोड़ा सा बड़ा ही होता है, पर ये जो साइज़ है वो पूरा परफेक्ट आया मुझे और ये मुझे बहुत ही पसंद आया। इस दोनों ये जो टॉप एंड जो प्लाजो है उसकी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था तो। और हाँ, इसमें दोनों साइड पे पॉकेट भी है और ये जो ब्रांड है वो है हनी और मेरी जो साइज़ है वो है, तो यहाँ पे जो साइज़ है वो है 26 पर मुझे 28 आता है कमर में, पर क्योंकि ये हाई वेस्टेड है तो मुझे 26 बहुत ही अच्छे से आ गया था। और इसकी जो प्राइस है वो है 799 रुपीज़। आई थिंक फ्रॉम पैंटलूंस ये अफोर्डेबल ही है, मुझे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं लगा। मैंने इससे पहले पैंटलून से परचेस नहीं किया था कभी भी क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत महंगा होते हैं पैंटलूंस के जो कपड़े, पर मुझे उतना ज़्यादा महंगा नहीं लगा और इतना सुंदर कलेक्शन है कि मुझे तो मन कर रहा था कि मैं सभी उठा लूँ। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। अगर आप पूजा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो टू पैंटलूंस और बहुत ही अच्छा इनका कलेक्शन है। और अगर आप कुछ वेस्टर्न तो मैंने ख़रीदा है, पर अगर आप कुछ एथनिक ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैंने लास्ट क्या परचेस किया है। तो मैंने जो लास्ट परचेस किया है ये मेरे फेवरेट है। मैंने इससे पहले एक मैंने एक ऐसे फ्रॉक काइंड ऑफ एक ड्रेस मैंने चूज़ किया था जो था बेबी पिंक कलर पे, पर जब मैं बिल कराने के लिए जा रही थी तो सडनली मेरी मुझे दिखा एक ये ड्रेस जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। और आई डोंट नो आप लोगों को पता है या फिर नहीं, क्योंकि कि मुझे डार्क कलर बहुत ही पसंद है, लाइक चॉकलेट मरून ये सब कलर मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या परचेस किया है। तो वो है ये ड्रेस, ये एक पार्टी ड्रेस है। जस्ट वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये काइंड ऑफ एक ऑफ शोल्डर ड्रेस है, ठीक है, बट द मेन पार्ट इज यहाँ पे आपको स्लीव्स भी मिल जाएगा। और ये जो कलर है वो मरून कलर की है और इसकी जो लेंथ है वो नी की थोड़ा सा नीचे है। मैं जब आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। ये बहुत ही सिंपल है पर मुझे ये ड्रेस बहुत ही पसंद आया। जो ब्रांड है वो है नाइस, इसकी जो ब्रांड है वो है एनाबल और मेरी जो साइज़ है वो है स्मॉल। एंड इसकी जो प्राइस था, ये टैग नहीं है क्योंकि मैंने पहले और एक कपड़ा पहन के देखा था जो स्मॉल साइज़ का ही था, पर उसकी जो ड्रेस था वो थोड़ा सा ऐसे कुछ क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ उठा हुआ था ड्रेस जो कपड़ा है मटेरियल था उस पर, तो मैंने और एक इस ड्रेस को मैंने उठा लिया, पर यहाँ पे कोई टैग नहीं था। पर मुझे याद है कि इसका प्राइस क्या था, तो इसका प्राइस था 1299, जो कि मुझे लगा कि अफोर्डेबल ही है। मुझे ये ड्रेस बहुत ही पसंद आया एंड दिस इज़ माई फेवरेट परचेज फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। तो मैं आपको ज़रूर पहन के दिखाऊंगी कि ये मुझ पे कैसा लग रहा है। और मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ, एक ड्रेस जो कि मैंने कुछ दिन पहले परचेस किया था रिलायंस ट्रेंड से मैंने परचेस किया था। एक टॉप मैंने ख़रीदा है जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो पे मैंने उसको पढ़ा था। और जो मैंने परचेस किया है वो है ये ड्रेस। ये एक्चुअली स्लीवलेस था पर मैं कंफर्टेबल नहीं थी स्लीवलेस पे, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से कट करके, क्योंकि नीचे से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैंने नीचे से थोड़ा सा कट करके यहाँ पे एक स्लीव लगा दिया है। और ये पूरा गला में ऐसे बैठता है और पीछे ऐसे चेन सिस्टम है। ये ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद आया और ये भी लॉन्ग है, आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा कैमरा पे।
और इसकी जो ब्रांड है वो है थीम स्पिरिट, और जो साइज है वो है स्मॉल, और जो MRP है वो है 1299 rupees। ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया, मैंने इसको करीबन जून जुलाई मंथ तक परचेस किया था। पूजा में मैं इसको पहनने वाली हूँ तो इसीलिए मैंने इसको अभी तक भी नहीं पहना है, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ एक लुक बुक काइंड ऑफ वीडियो। बहुत अच्छा लुक बुक तो नहीं है, मैं यहाँ पे ही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मेरी रूफ टॉप पर जाकर आपको दिखाऊंगी, पर बारिश हो रहा है तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपको घर पे ही दिखा देती हूँ। और मैं कुछ मेकअप वेकअप नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ड्रेस ही दिखा रही हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो हॉल है उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है। पर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल पोस्ट न्यू वीडियोस। मैं आपको एक बार और बता दूं कि मैंने ऑलरेडी Q&A की अनाउंसमेंट कर दिया है वीडियो के पहले। मैं और एक बार बता दूं कि अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड मैं कोशिश करूंगी एक वीडियो बनाने के लिए, और मैं कुछ रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ कमेंट पे, मैं आपको डायरेक्ट एक वीडियो पे ही बता दूंगी। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो मैं बंगाली में बोलने वाली हूँ कि তোমরা আমাকে অনেক ভালোবাসা দিচ্ছ, সাপোর্ট করছো, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের। আর তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে অনেক বড় বড় কমেন্ট লিখে পাঠাও, যেটা আমার খুবই ভালো লাগে, এবং আমি সোশ্যাল মিডিয়াতেও সেটাকে আপলোড করি। যদি তোমরা আমাকে সোশ্যাল মিডিয়া এখনও ফলো না করে থাকো, তবে তোমরা আমাকে প্লিজ ফলো করতে পারো, আর লিঙ্কটা আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকে, এবং আমার চ্যানেলের অ্যাবাউটেও তোমরা পেয়ে যাবে, তো তোমরা প্লিজ ফলো করতে পারো, ওখানে তোমরা দেখতে পাবে যে আমি তোমাদের কমেন্টগুলো শেয়ার করি, কারণ আমার ভীষণ ভালো লাগে তোমাদের কমেন্টগুলো পড়তে। তোমরা আরও কমেন্ট করো আমাকে, আর এটা আমাকে অনেক বেশি উৎসাহ দেয় আরও ভালো কাজ করার জন্য। তোমরা অনেকেই বলো যে যেন আমার খুব শীঘ্রই 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার হয়ে যায়, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। তোমরা এভাবেই আমার পাশে থাকো, আমি আরও আরও অনেক ভালো ভিডিওস আপলোড করার চেষ্টা করব। তোমরা অনেকেই বলো যে আমি বাংলায় কেন ভিডিও বানাই না, তো আমি ভেবেছি যে দুর্গা পুজোর যে ভিডিওগুলো আমি বানাবো ভেবেছি সেগুলো আমি বাংলাতেই বানাবো। আর আর একটা কথা তোমাদের জিজ্ঞাসা করা ছিল, সেটা হচ্ছে যে আমি ভেবেছি যে ধরো দুর্গা পুজোর যে 5টা দিন থাকে সেগুলোর একটা ভিডিও আমি বানাবো, একটা একটা করে যে লুক বুক কেমন হবে, মেকআপ ভিডিও বলতে পারো, তো আমি সেভাবে আপলোড করবো সেটা আমি মানে আমি কনফিউজ যে আমি কী করবো। তোমরা যদি হেল্প করো তো আমার খুবই ভালো হয়, তো প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন কি ম্যাং কব আপলোড করু দুর্গা পুজো কি যে ভিডিও মানে ডালনে বালি হু মেকআপ ভিডিওস মানে ডালনে বালি হু ও মানে কব আপলোড করু। এক অপশন হ্যাঁ কি মানে মহালয়ে যাওয়ার কে বাদ মানে এক এক দিন করকে এক এক ভিডিও আপলোড করু, ইয়া ফির মানে যো লাইক अगर পঞ্চমী মে হু তো ষষ্ঠী কি ভিডিও আপলোড করু, अगर ষষ্ঠী মে হু তো সপ্তমী কি ভিডিও আপলোড করু। মুঝে যো লাগতা হ্যায় কি अगर মানে মহালয়া কি বাদ সে হি ভিডিও আপলোড করু তো শায়দ আপ লোগোন কো হেল্প মিলেগা। তো বাস আজ কে লিয়ে ইতনা হি, আপ আপ এনজয় কিজিয়ে ইয়ে ড্রেস কি লুক বুক, আর মানে চলতি হু ড্রেস পহনে কে লিয়ে, তো আজ কে লিয়ে বাস ইতনা হি, মিলতে হ্যায় মেরে নেক্সট ভিডিও পে, তব তক কে লিয়ে বাই বাই।
esta mente.